साथ अग्रमा जादौन और आप देख रहे हैं नव समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए फिर फटाफट से नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ मुख्य खबरों पर। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई तक रिपोर्ट नहीं बनाने का आदेश। वाराणसी में भाजपा प्रत्याशी की पुलिस से नोकझोंक, प्रयागराज में बीजेपी एमएलए पर फर्जी वोट का आरोप। जंतर मंतर पर पहलवान बोले, सही से जांच नहीं कर रही पुलिस, एससी ने निचली अदालत जाने का निर्देश दिया। एससीओ समिट में संघाई सहयोग संगठन में रूसी और मंदारिन भाषा के एकाधिकार के खिलाफ भारत अंग्रेजी में चलन पर दिया जोर। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में दी 4.25 लाख नौकरियां, $40 अरब का किया निवेश। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दो तस्कर गिरफ्तार, ड्रोन के लिए वर्चुअल कॉल के जरिए भेज रहे थे लोकेशन। भाजपा के नेता ईश्वरप्पा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जलाया, बजरंग दल को बताया देशभक्त संगठन। जनप्रतिनिधि कानून के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इनकार। संजय सिंह के ईडी लेटर पर मीनाक्षी लेखी का तंज, ऑपरेशन शीश महल पर केजरीवाल सरकार को भी घेरा। गोफर्स ने 9 मई तक के लिए उड़ानों को रद्द किया, डीजीसीए ने दिया रिफंड प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। इसी के साथ आज की 10 मुख्य खबरों में इतना ही, बाकी की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें नव समाचार के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। नमस्कार।